ये हमारा ई रिक्शे का चार्जर है, एक्सियोम कंपनी का। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये आती है चार्जिंग के अंदर, कि ये चार्जिंग को रोक देता है थोड़ी देर चलने के बाद, और फैन भी बंद हो जाता है, और ये सी और ये 30% वाली जो एलईडी होती है ये ब्लिंकिंग करने लगती है, और ये कभी तो चार्ज करने लगता है कभी नहीं करता। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो हमारी ये रिले लगी हुई होती है 30, ये 12 वोल्ट की, ये सबसे ज़्यादा समस्या इस रिले की वजह से आती है। कभी भी किसी भी ई रिक्शा के चार्जर में ये प्रॉब्लम आए कि ये इसकी एलईडी ब्लिंकिंग कर रही हो, तो इसकी ये 12 वोल्ट की रिले चेंज कर दे और हमारा जो चार्जर है बिल्कुल ओके हो जाएगा। इसके अंदर जो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो इस रिले की ही वजह से आती है। इसके अंदर जो अंदर पत्ती होती है रिले के लगी हुई वो स्पार्क करने लग जाती है, और जो हमारी बैटरी की जो कनेक्टिविटी होती है उसके अंदर फिर प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से फिर हमारी जो ये 30% वाली जो एलईडी होती है ये ब्लिंकिंग करने लगती है, और हमारा चार्जर का फैन भी ऑफ हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।